लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं अधिकार है, और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं पंच दिवसीय दीपावली संपूर्ण पूजन सामग्री। प्रिय साथियों, 5 दिनों तक यानी 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आप मनाएंगे पंच दिवसीय दीपावली पर्व। इसके लिए हमने तैयारी बड़ी जोरों से की है। आपके लिए विशेष रूप से हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी सुमेरु पृष्ठ श्रीयंत्र। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रीयंत्र युक्त 8 लक्ष्मी चिन्ह। इसके साथ साथ आपके खातों का सही देखरेख हो, आपके खातों में हमेशा आपके बैलेंस शीट आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमने महालक्ष्मी कुबेर बही खाता तैयार किया है। इसके साथ ही प्रिय साथियों, शुभ लाभ के चिन्ह हमने तैयार किए हैं, और श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए उनके लिए विशेष रूप से आपके पास एक यंत्र है। और भी ऐसी अनमोल खजाने में ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। 27 अनमोल सामग्री से युक्त दीपावली पूजन पैकेट कई वर्षों से आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस बार भी आप संपूर्ण दीपावली पूजन हमारे द्वारा बताई गई साधनाओं से करिए। निश्चित मानिए, माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर पर वास करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625, 9314728165। सफलता कोई गाड़ी नहीं है जो चलकर आपके पास आएगी, बल्कि आपको खुद उसे पकड़ने स्वयं जाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ईश्वर ने पक्षियों को भोजन दिया है या पक्षियों के लिए भोजन दिया है और उन्हें ये मति दी है कि वो भोजन अपना जुटा सके, लेकिन भगवान ने उनके घोंसलों में भोजन नहीं दिया है। उनके अंदर काबिलियत है, वो खुद मेहनत करके अपना और अपनों का पेट पालते हैं। वैसे ही आपने अगर मेरे इस वाक्य को सफलता का गुरु मंत्र समझ लिया तो सभी कर्क राशि वाले लोगों का नवंबर महीना यादगार और शानदार हो जाएगा। कि आप परिश्रम करिए, लगातार प्रयास करिए, आपका नवंबर श्रेष्ठ होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं कर्क राशि नवंबर राशिफल। प्रिय साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे वो 4 प्लेनेट जो अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। कौन सी ऐसी डेट है जिसमें नवंबर महीने में कर्क राशि वाले लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, और कौन से विशेष राजयोगों से विशेष दिन होंगे, शुभ तारीखें बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे बिजनेस एंड वेल्थ की, जॉब और प्रोफेशन की, नवंबर गुड इंडिकेशन की, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की, स्टूडेंट और लर्नर की, और सेहत और ट्रैवल प्लान की। अंत में नवंबर माह को यादगार और शानदार बनाने के विशेष उपाय। शुरुआत ग्रहों के परिवर्तन से। 2 नवंबर से बुध जाएंगे तुला राशि में, मित्र शुक्र के घर में। 16 नवंबर से सूर्य भी मित्र के घर में जाएंगे, वृश्चिक राशि में। 20 नवंबर से गुरु कुंभ राशि में जाएंगे और 21 नवंबर से बुध जाएंगे शत्रु वृश्चिक राशि मंगल के घर में। प्रिय साथियों, जब भी आपको लगेगा आप निराशावादी हो गए हैं, टेंशन डिप्रेशन है, काम नहीं बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी है, अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कोई तकलीफ आती है, तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि महीने में 2-4 दिन कुछ ऐसे जाते ही हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। वो वक्त कब होता है? जब कर्क राशि से चंद्रमा 4th, 8th और 12th चले जाए। ये डेट्स मैं आपको एडवांस में इसलिए दे रहा हूं ताकि जब वो दिन आए तब आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। इसी कड़ी में 4 और 5 नवंबर को 4th, 12-13 नवंबर को 8th और 22 और 23 नवंबर को 12th रहेंगे। प्रिय साथियों, अब हम बात कर रहे हैं 2 ग्रहों से बनने वाले शुभ योग की, शुभ तारीखों की। इस महीने 2 से 16 नवंबर तक सूर्य और बुध का बुध आदित्य, 4 और 5 नवंबर को महान चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, और 10-11 नवंबर को महान गज केसरी योग बनेगा। प्रिय साथियों, ग्रह तो आपका साथ दे ही रहे हैं, लेकिन देवी देवता भी विशेष आशीर्वाद देने आ रहे हैं विशेष पर्व पर। 2 नवंबर धनतेरस, 3 नवंबर रूप चतुर्दशी, 4 नवंबर महानिशा की रात्रि दीपावली, और 5 नवंबर को, प्रिय साथियों, 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 6 नवंबर को भाई दूज है। 14 नवंबर देव प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, चातुर्मास समाप्त हो जाएंगे। आइए प्रिय साथियों, बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके बिजनेस के घर में ही शनि विराजमान है। शनि और बृहस्पति दोनों विराजमान रहेंगे, और साथ में मंगल की 4th दृष्टि आपके बिजनेस हाउस पर होने और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर होने की वजह से
जो बिजनेस पर्सन से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोर्ट, मशीनरी, माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं, बिना किसी हेजिटेशन के फ्री माइंड से नए आइडियाज को इनोवेट कर, जो इनोवेटिव तरीके से अप्लाई करके आप इस महीने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अच्छा करेंगे। टेक्निकली अपडेट और अपग्रेड करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट की शक्ति को बढ़ाएं ताकि आपको पता लगे कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं फालतू चीजों में। उस टाइम को चुराइए और प्रोडक्टिव चीज में लगाइए, आप सफल होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि सेवंथ हाउस पर होने से एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। इस महीने 2, 3, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा का सेवंथ हाउस से नवम पंचम राजयोग बनेगा। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के लॉर्ड है, एकांत में शांत और मौन रहकर आप आइडियाज जनरेट करेंगे और आइडिया को अप्लाई कर देंगे तो नवंबर आपका है। आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपके क्लाइंट पहली पसंद होंगे। 20 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति भी धन भाव को देखेंगे, जिस वजह से ग्रोथ बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, पैसे से पैसा मिलेगा, रेंटल इनकम कुछ ऐसा जो कि आपकी मेन बिजनेस के साथ साथ नई इनकम भी शुरू हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि राहु की नवमी दृष्टि सेवंथ हाउस पर है, बैठे बैठे लीगल कॉम्प्लिकेशन, ग्राहक नाराज होकर आपके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ बुरा लिखे, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएं, अज्ञात भय के शिकार हो जाएं। लेकिन जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, नए चांस मिलेंगे नए क्लाइंट और नई चीजों के। 19 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि इनकम हाउस पर होगी, जिससे इन्वेस्टर्स आपके काम में रुख करेंगे, आपकी तरफ अच्छी नजर से देखेंगे। जो लोग ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को नए मॉडर्न तरीके इन्वेस्टमेंट के लिए इजाद करने होंगे। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए अच्छा समय, आपको बस इतना करना है कि समय वेस्टेज में से चुराना है और टेक्निकली अपडेट और अपग्रेड करना, यह महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। सबसे पहले देखिए सूर्य और मंगल की सातवीं दृष्टि दशम स्थान पर होने से कर्म स्थान पर एनर्जी लेवल तो अच्छा रहेगा, लेकिन राहु अज्ञात भय देता है, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता। काम भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, घर भी आ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अज्ञात भय के शिकार हमेशा बने रहते हैं। ये एक ऐसा बीज है जो आपको बीमार कर देगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बेहतर जॉब के लिए, सेटिस्फैक्ट्री जॉब के लिए आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए। 2, 3, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा का दशम स्थान कर्म स्थान से षडाष्टक दोष बन रहा है, जिससे आपको, यानी स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, आपको डिफिकल्ट टास्क दिया जाएगा, आपकी कोई परीक्षा ली जाएगी। हो सकता है आप इसे न कर पाए, लेकिन पहले से हार मान के मत बैठिएगा, चुनौतियों को स्वीकार करें तभी सफल बनेंगे। चैलेंजेस उसी को मिलते हैं, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जिससे ईश्वर चाहते हैं कि इसकी हमें ताकत बढ़ानी है। होपलेस होने की बजाय एंडलेस होप पर ध्यान दें। नवंबर माह आपकी सक्सेस का मेन मंत्र बन जाएगा। 8, 9, 27, 28 तारीख को चंद्रमा दशम स्थान से वापस नवम पंचम राजयोग बनाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और उसकी तैयारी करें लोगों की गाड़ी आगे बढ़ेगी और नई जगह पर ट्रांसफर कुछ अच्छा हो जाएगा। सिचुएशन को देखते हुए इंपॉर्टेंट डिसीजन जल्दीबाजी में न लें, बल्कि पूरा रिसर्च वर्क करके फिर करिए। इस महीने जॉब चेंज करने की बजाय एक मौका बॉस को दीजिए, और आपको भी भगवान ने मौका दिया है, आप बेहतर प्रदर्शन करके देखिए, इसी में ही तरक्की हो सकती है। आइए प्रिय साथियों बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के नवंबर महीने में गुड इंडिकेशन की। जब कभी भी यात्रा करें उस समय आपको अपनी दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड में कोई बंदर, कुत्ता, सांप दिखे तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। सपने में हरे भरे प्राकृतिक नजारे दिखना भी शुभ संकेत माना जाता है। हरियाली अगर पानी के किसी सोर्स के पास हो तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं मेन और प्रॉपर हरियाली की बात कर रहा हूं, अब रास्ते में चलते एक पेड़ दिख गया वो हरियाली की बात नहीं कर रहे, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। एक तो शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध है और उस पर आप थोड़ा गौर करिएगा कि अनर्गल, व्यर्थ वाद विवाद, खुद जो पास में बैठे हैं, जो आपको लाइक करते हैं उस पर तो आप ध्यान नहीं देते, सोशल मीडिया पर कितने लाइक आए उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, इससे बचिए। मंगल की चौथी दृष्टि पति पत्नी और लाइफ पार्टनर के घर में होने से फैमिली में कम्युनिकेशन शानदार होना चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम में शामिल ज्यादा होना चाहिए। 2, 3, 20 और 21 तारीख को चंद्रमा का
पति पत्नी घर से नवम पंचम राज्य बनेगा, पार्टनर के लिए कुछ अच्छा करना, घर के रिनोवेशन, सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च करना, फेस्टिवल सीजन पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, गाड़ी खरीदना, अपना मकान लेने के सपने साकार होंगे। प्रिय साथियों, 20 नवंबर से गुरु की सातवीं दृष्टि धन भाव पर होने से लव लाइफ और रिलेशनशिप में कपल्स के बीच मीटिंग बहुत अच्छी होगी। बिछड़े हुए साथी वापस मिलेंगे और जो मिल चुके हैं वो प्यार, इश्क और मोहब्बत के द्वारा शादी के बंधन में बंधेंगे, इंतजार समाप्त होगा। हालांकि राहु की नवमी दृष्टि सेवंथ हाउस पर होने से मैरिड कपल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रोमांच और रोमांस में किसी और की एंट्री ये आपको तकलीफ दे सकता है, ध्यान रखें। रिलेशनशिप में सुधार होगा, चाहे वो रिलेशनशिप पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। संतान सुख और संतान से सुख अब संभव है, एंजॉय करिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की और लर्नर्स की। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज की तलाश में हो तो नवंबर माह में ये तलाश पूरी हो जाएगी। राहु की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर होने से रेगुलर स्टडीज से स्टूडेंट का विजन क्लियर होगा, जिससे फ्यूचर में गोल सेट होंगे। 16 नवंबर से पंचम भाव जो कि पढ़ाई लिखाई का है, वहां सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा, जिससे ऑनलाइन जो भी लोग काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। लेकिन ऑफलाइन और माता पिता पर विश्वास करके आप अगर ध्यान दोगे, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दोगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। 17-18 तारीख को चंद्रमा का पढ़ाई के घर से षडाष्टक दोष बन जाएगा। इमोशनल अत्याचार आपके साथ हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रिश्ते में कुछ तकलीफ आ सकती है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ आ सकती है, जिसका असर आपकी पढ़ाई पर बुरा पड़ेगा। हालांकि 21 नवंबर से पंचम भाव में बुध केतु का जड़त्व दोष है, जिससे स्टूडेंट टाइम को मैनेज तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइम के साथ खुद को मैनेज करने पर ध्यान दीजिए। मिस मैनेजमेंट से आपकी पढ़ाई, आपके वाइवा, इंटरव्यू, गोल डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो लोग बोर्डिंग में पढ़ते हैं, जो लोग विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय यादगार और शानदार बनने वाला है। अब बात करते हैं सेहत और ट्रैवल की। इस महीने 5 बार पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यात्रा के अवसर बनेंगे। जो लोग मील प्लानर के साथ अपनी दिनचर्या को साझा करें, उसके साथ प्रॉपर लाइफ स्टाइल सेट कर पाए, खाने पीने की चीजें, योग प्राणायाम एक्सरसाइज, इसको रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। जैसे नहाना है, सोना है, रूटीन काम करते हैं, वैसे इसको हिस्सा बना लीजिए, आपकी पर्सनैलिटी शानदार हो जाएगी। वजन कम करने के नुस्खे इस महीने आपके कारगर होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, चेहरे पर निखार आएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। 17-18 तारीख को चंद्रमा का छठे भाव से नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम से बचने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ध्यान दीजिए। छठे भाव में यानी रोग और चोट के घर में पाप कर्तृ दोष होने से ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग, मंगल और शनिवार को रात को ड्राइविंग और किसी प्रकार के जल्दीबाजी, गुस्से में ड्राइविंग आपको तकलीफ दे सकता है, लापरवाही डिस्टर्ब कर देगी। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा का 8वें भाव से नवम पंचम राजयोग बनेगा, जिससे ट्रैवल संबंधित प्लान जल्द पूरे होंगे और ट्रैवल ब्लॉगर के लिए समय अनुकूल है, आपका डिजिटल कंटेंट अच्छी ग्रोथ करवाएगा। प्रिय साथियों, अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए यादगार और शानदार नवंबर बनाने के विशेष उपाय। दो नवंबर धन त्रयोदशी के पावन अवसर पर धन लाभ, पैसे से पैसा हो, आशा के अनुरूप धन मिल जाए और धनतेरस के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के समीप तेल का पंचमुखी दीपक जलाएं। शक्कर, सफेद वस्त्र, वाहन आपके लिए वस्तुएं खरीदना शुभ रहेगा, लेकिन काली वस्तुएं और लोहा न खरीदें। 3 नवंबर रूप चतुर्दशी के पावन अवसर पर सूर्य उदय से पूर्व स्नान के जल में सफेद चंदन की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर स्नान करना चाहिए। 4 नवंबर महालक्ष्मी पूजन के पावन अवसर पर पीले चंदन और केसर का उपयोग करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी को त्रिकोण आकृति में बना पीले रंग का झंडा भेंट करिए, उससे भाग्य में वृद्धि होगी, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मां लक्ष्मी को खोए से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जीवन में मिठास बनी रहेगी। 5 नवंबर गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का घी से अभिषेक करें और उन्हें केसर की बर्फी का भोग लगाएं। इसके बाद श्री राधा वल्लभाय नमः मंत्र की 11 माला जाप करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मनचाहे जीवन साथी की प्राप्त होगी। 6 नवंबर यम द्वितीया भैया दूज के पावन अवसर पर बहनें अपने भाई को टीका लगाने के बाद काजू की बर्फी खिलाएं और भाई अपनी बहनों को फुटवियर गिफ्ट करें। 10 नवंबर सूर्य षष्ठी डाला छठ के पावन अवसर पर इस दिन लोहे या लकड़ी का कोई काम न करें, लेकिन सोने चांदी या कपड़े से संबंधित कोई कार्य करने के लिए दिन बहुत शुभ है।
इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, भोजन में उन्हें गुड़ जरूर खिलाएं, आपके जीवन में मिठास घुल जाएगी। प्रिय साथियों, 14 नवंबर देव प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह और चातुर्मास पूर्ण होने के अवसर पर नौकरी में अच्छी आमदनी पाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु जी को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको जल्दी नौकरी में अच्छी आमदनी मिलेगी। 17 नवंबर श्री बैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर अगर आप हर तरह के भय से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी नदी तालाब के पास जाकर तेल के 14 दीपक जलाने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई नदी तालाब न हो तो आप अपने घर में ही 14 दीपक जलाएं और उनमें से एक दीपक नल के पास जरूर लगाएं। इस दिन ऐसा करने से आपको हर तरह के भय, अज्ञात भय, डर, चिंता, जीवन में नई ऊर्जा के संचार के साथ वो चीजें खत्म हो जाएगी। प्रिय कर्क राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ मस्त और व्यस्त रहकर इस महीने को गुजारिए। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे पर्सनली और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ पूछना चाहते हो तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जानकारी ली जा सकती है। आज के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं, अधिकार है और आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र इस अधिकार को दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं पंच दिवसीय दीपावली संपूर्ण पूजन सामग्री। प्रिय साथियों, 5 दिनों तक यानी 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक आप मनाएंगे पंच दिवसीय दीपावली पर्व। इसके लिए हमने तैयारी बड़ी जोरों से की है। आपके लिए विशेष रूप से हम लेकर आए हैं महालक्ष्मी सुमेरु प्रस्थ श्रीयंत्र। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रीयंत्र युक्त 8 लक्ष्मी चिन्ह। इसके साथ साथ आपके खातों का सही देखरेख हो, आपके खातों में हमेशा आपके बैलेंस शीट आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हमने महालक्ष्मी कुबेर बही खाता तैयार किया है। इसके साथ ही प्रिय साथियों, शुभ लाभ के चिन्ह हमने तैयार किए हैं और श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए उनके लिए विशेष रूप से आपके पास एक यंत्र है। और भी ऐसी अनमोल खजाने में ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। 27 अनमोल सामग्री से युक्त दीपावली पूजन पैकेट कई वर्षों से आपके घरों तक पहुंच रहा है। इस बार भी आप संपूर्ण दीपावली पूजन हमारे द्वारा बताई गई साधनाओं से करिए। निश्चित मानिए, माँ लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर पर वास करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना पैकेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 9829026625, 9314 7281 6 5